फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक नेटवर्क विद अंजलि। और आज मैं लेके आ गई हूँ सब्जियों वाली बहुत ही बढ़िया रेसिपी। तो आप लोगों को ऐसे ही कोई होगा जिसको ये रेसिपी नहीं पसंद होगी, मुझे तो बहुत पसंद है। और ठंड में इतनी सब्जियाँ आती हैं हरी हरी, तो ये सब्जी बनानी तो बनती ही है। तो आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। जी हाँ, और कुकर में वो भी बस 5 मिनट के अंदर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इतनी सारी सब्जियाँ ले ली है। गाजर 2 ले ली है, एक शिमला मिर्च, फूल गोभी और 3 टमाटर ले लिए हैं, एक मैंने चुकंदर ले लिया है, और 1 कटोरी प्याज मटर ले लिया है, और 1 कटोरी मैंने बारीक कट करके प्याज ले लिया है। और पाव भाजी को कलरफुल बनाने के लिए यहाँ मैंने खूब ज़्यादा रेड टमाटर होते हैं वो उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लूँगी रफली। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ साथ में कश्मीरी मिर्च। तो कश्मीरी मिर्च मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है भर करके, क्योंकि इससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये तीखी नहीं होती है, इससे सिर्फ कलर आता है। और थोड़ा सा मैंने और कश्मीरी पाउडर ले लिया है, तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, बनाना हो पाव भाजी तो बटर का यूज़ तो बनता ही बनता है। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ बटर। तो घी यहाँ पे अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, तो अब हम यहाँ डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। तो यहाँ पे हमारा जीरा अच्छी तरीके से चटक चुका है, तो हम डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे ढक करके अच्छे से भून लेंगे। और अब डाल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्याज। प्याज को अच्छी तरीके से इसी मसाले में हमें पकाना है। यहाँ पे प्याज हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है प्याज में, तो अब डाल देंगे टमाटर और टमाटर का पेस्ट जो बना के रखा था। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक अच्छे से तेल सेपरेट ना हो जाए। देख सकते हैं कि अब तेल जो था वो सेपरेट होने लगा है, यानी बटर। और अब हम इसमें डाल देंगे ये सारी सब्जियाँ। गाजर और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि अंजलि ने मसाले तो डाले ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अब मैं डालने जा रही हूँ मसाले। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे डाल दिया है धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, और हल्दी पाउडर मैं थोड़ा ही यूज़ करूँगी कि अब क्योंकि टमाटर की वजह से ऑलरेडी उसमें कलर बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे मैं ढेर सारा डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। वैसे भी इसमें मैंने चुकंदर डाला हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया कलर आने वाला है। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, और इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। अब ऐड कर देंगे यहाँ पे पानी। तो यहाँ पे पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि बाद में इन्हें इन सारी सब्जियों को हमें मिक्स करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इतना पानी रखा हुआ है, और अब इस पे लगा देंगे लिड। कम से कम 5 से 6 सीटी आने देंगे। यहाँ पे 5 सीटी हो चुकी हैं, तो चलिए ढक्कन को ओपन कर लेते हैं। जी देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सब्जी हमारी बन के तैयार हुई है। तो चलिए इसे मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मैसर ले लिया है, और इसकी हेल्प से इसे मैश कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, आलू मेरे रह गए हैं अभी 1-2, ये देखिए थोड़ा सा बड़े, तो इन्हें भी अच्छे से मैश कर देते हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है हमारी भाजी। तो अब देर किस बात की, चलिए पाव भी सेक लेते हैं, ये देखिए। और थोड़ा सा इस पे धनिया गार्निश कर देंगे, मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने तवा ले लिया है नॉन स्टिक, और इस पे थोड़ा सा बटर डालेंगे।
और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी भाजी और मिक्स कर देंगे, इसको फैला देंगे और इसी के ऊपर हम सेकने वाले हैं पाव। इससे क्या होगा, जैसे ही ढाबा और रेस्टोरेंट वाला टेस्ट होता है ना पाव का, सेम वही से आएगा। ये देखिए, मैंने पाव को यहाँ पे कट कर दिया है। खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जब पूरा एक होता है, तो इसीलिए मैं इसे कट करके ही हमेशा बनाती हूँ। और सर्व करने से पहले यहाँ से मैं बटर से थोड़ा सा ऊपर से फ्राई कर दूँगी ताकि इसका बिल्कुल टेस्ट अच्छे से आ जाए। और जीरा हमारा अच्छे से चटक चुका है, तो चलिए फ्राई कर देते हैं। तो चलिए परोस लेते हैं। ये देखिए कितनी लाजवाब भाजी बनके हमारी तैयार हुई है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये रही हमारी पाव भाजी की रेसिपी। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया बनी हुई है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।